साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थियों के रिजल्ट को जनरेट करने, ग्रीन शीट प्रिंट करने, रिजल्ट को वेरीफाई करने की संपूर्ण प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजिएगा, और आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से रिजल्ट जनरेट करने की संपूर्ण प्रक्रिया। शाला दर्पण से विद्यार्थियों के रिजल्ट को जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी परिणाम नेम से, तो आपको यहाँ परिणाम नेम वाली टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, तो यहाँ आपको एक अन्य टैब मिल जाएगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। अब यदि आपने सभी विद्यार्थियों के सभी मार्क को शाला दर्पण पर अपडेट कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023-24, आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस भी क्लास का आप रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं वो क्लास आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कक्षा 11वीं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां से उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहां स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जो भी स्ट्रीम आपके विद्यालय में चलती है उस स्ट्रीम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शो स्टूडेंट का, तो आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, आपको यहाँ विद्यार्थी के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, विद्यार्थी के मदर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, फादर का नेम आपको यहाँ बताया जाएगा, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बताई जाएगी, विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे, और जो भी कक्षा आपने सेलेक्ट की है वो कक्षा आपको यहाँ दिखाई देगी। या स्टेटस के नीचे आपको नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन हो सकता है देखने को मिले, या आपको यहाँ खाली भी देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, आपका कार्य प्रारंभ होता है यहीं से। जिस भी विद्यार्थी के रिजल्ट को आप जनरेट करना चाहते हैं उसके सम्मुख आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट रिजल्ट का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यहां ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब वापस आपके सामने इस तरह से मैसेज शो होगा, रिजल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपके एक विद्यार्थी का रिजल्ट सक्सेसफुली शाला दर्पण की ओर से जनरेट किया जा चुका है। इस तरह आपको क्या करना है, सभी विद्यार्थियों के नेम के सम्मुख जो आपको जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट आपको क्या करना है, जनरेट कर देना है। अब आपको यहाँ आना है प्रिंट के नीचे, आपको यहाँ ड्राफ्ट का ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के सम्मुख मिलने लगेगा, तो आपको क्या करना है, इस ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको जो है ओके का ऑप्शन मिलेगा, उस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, विद्यार्थी का रिजल्ट आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को बड़ी बारीकी से चेक करना है कि इसमें कहीं गलती तो नहीं है, और यदि कोई गलती नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके इस रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको प्रत्येक विद्यार्थी के रिजल्ट को चेक करना है इस ड्राफ्ट के ऑप्शन को काम में लेते हुए। जब आप सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट को चेक कर लेंगे, उसमें आपको कोई गलती नहीं लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या मिलेगा, प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई रिजल्ट जो आपको यहाँ दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, वेरीफाई रिजल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थियों व माता पिता का नाम, जन्म दिनांक जांच लेवे, वेरीफाई करने के पश्चात अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं इन निर्देशों को फॉलो करना है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट है कि विद्यार्थी का जो आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं वो सही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज शो किया जाएगा, रिजल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब जिस विद्यार्थी का रिजल्ट आपने वेरीफाई किया है उसका रिजल्ट जो है
सक्सेसफुली शाला दर्पण की ओर से वेरीफाई किया जा चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ स्टेटस में आप देख पाएंगे कि यहाँ स्टेटस अब वेरीफाइड हो गया है, और जिन विद्यार्थियों का आपने रिजल्ट वेरीफाई नहीं किया होगा उनके सम्मुख आपको यहाँ रेड कलर में नॉट वेरीफाइड लिखा मिलेगा। तो इस तरह आपको प्रत्येक विद्यार्थी के रिजल्ट को बारीकी से चेक करते हुए उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रिजल्ट का, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के उपरांत आपको फिर से मैसेज शो हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके विद्यार्थी का रिजल्ट आपके सम्मुख आ चुका है, आप यहाँ क्लिक करके इस रिजल्ट को प्रिंट कर लीजिएगा। तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट को जनरेट करना है, ड्राफ्ट जो रिजल्ट है उसको चेक करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट को प्रत्येक विद्यार्थी के वेरीफाई कर देना है। जब आप सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट को वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ रेड कलर में जो ये नॉट वेरीफाइड लिखा मिल रहा है ये वेरीफाइड आपको लिखा मिलेगा। तो आपको यह प्रक्रिया अपनानी है। अब आपको ग्रीन शीट कैसे प्रिंट करनी है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है शो ग्रीन शीट नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह से सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट की ग्रीन शीट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, तो आप यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और जो ग्रीन शीट आपको बताई जा रही है सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों की ग्रीन शीट आपको प्रिंट करके विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है, इसलिए आपको इस ग्रीन शीट को देखना भी अनिवार्य है और इस ग्रीन शीट को आपको प्रिंट करके भी रखना है। अब बात आती है साथियों कि आपसे किसी विद्यार्थी का रिजल्ट गलत वेरीफाई हो गया है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, तो आपको यहाँ वापस आना है ऊपर की ओर, यहाँ आपको जो रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है या परिणाम का ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अनवेरीफाइड रिजल्ट 2023-24, तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन है आपको सीमित समय के लिए दिया गया है, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, और यदि गलती हो भी जाती है तो अभी आपको सीमित समय के लिए ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। तो आपसे यदि किसी विद्यार्थी का रिजल्ट गलत वेरीफाई हो गया है तो आपको इस ऑप्शन को उपयोग में लेना है या यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लास पर क्लिक कर लीजिएगा, जिस भी कक्षा में आपसे गलती हुई है उस कक्षा को आपसे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी स्ट्रीम आपके विद्यालय में चलती है वो स्ट्रीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शो स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपने जो कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट की है उसमें जितने भी विद्यार्थियों के रिजल्ट को आपने वेरीफाई किया होगा उन विद्यार्थियों के नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। आगे आपको मदर्स नेम भी यहाँ देखने को मिलेगा, फादर नेम भी यहाँ देखने को मिलेगा, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एसआर नंबर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती हो गई है विद्यार्थी के रिजल्ट को वेरीफाई करते समय, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस विद्यार्थी को यहाँ देख लेना है, उसके सम्मुख आपको जाना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनवेरीफाई रिजल्ट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, रिजल्ट अनवेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब जिस विद्यार्थी के आपसे गलती हुई थी उसका रिजल्ट जो आपने वेरीफाई कर दिया था वो अनवेरीफाई शाला दर्पण की ओर से किया जा चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और जो प्रक्रिया मैंने बताई है उस प्रक्रिया को आपको फिर से अपनाना है और सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट को आपको जनरेट करना है, रिजल्ट का ड्राफ्ट भी आपको देखना है और रिजल्ट को आपको प्रिंट भी करना है, ग्रीन शीट भी आपको जनरेट करनी है, ग्रीन शीट की प्रिंट आउट भी आपको निकाल कर रखनी है और रिजल्ट को आपको वेरीफाई भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए
और साथियों यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।